शेर सर, बालवीर का इम्तिहान ज्योग्राफी के इम्तिहान से तो जरूरी नहीं हो सकता। सच सच बताइए ना, बात क्या है? मेरी बात के पीछे का सच इतनी जल्दी भाप गया तुम? बात अच्छी, छोटे बालवीर। तिमनासा और काल्लोक को दबा करने वाले दिन अगर आप लास्टेस की बात करेंगे तो इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। ये विवान किस तरफ इशारा कर रहा है शौर्य? जो यहाँ आई थी वो बाल परी नहीं काल परी थी। क्या? शस्त्र देने के बहाने ये बात मैं बालवीर को बता चुका हूँ। लेकिन शौर्य, जब आपको पता था कि वो बाल परी नहीं काल परी है तो आपने फिर बालवीर को उनके साथ क्यों जाने दिया? ताकि तिमनासा को लगे वो जीत रही है और हम इसी बात का फायदा उठाकर उसकी बाजी पलट सके। अपने हाथों को देखो विवान, इसका मतलब पार्टनर ने अच्छा ही कर सकते हो मेरे हाथों में डाल दिया है। हाँ विवान, अब तुम्हें तिमनासा और क्रोधाल को खत्म करने में बालवीर की मदद करनी होगी। तोबा को और इस तुच्छ जबदाली को अच्छा बना दिया था। अरे छी छी छी, अब तक शरीर से अच्छाई की गंध आ रही है। आप कहे तो दो चार मुक्के लगा दो इसे हमें अच्छा बनाने के जुर्म में। समय आ गया है क्रोधाल को जगाने का। क्रोधाल को जगाने की कोशिश छोड़ो तिमनासा। क्योंकि अब तुम्हारे खुद के गुड डेट बोलने का टाइम आ गया है। विवान, छोटे मियां, आज मेमना खुद शेर का शिकार बनने आ गया। बड़े के साथ साथ आज छोटा भी होगा काल लोक में स्वाहा। वाह, मास्टर डायलॉग मारा, अच्छा बोलते हो। तो बताओ, मारा भी खाओगे कि बाद में? तिमनासा, अब इन सब का क्या किया जाए? बातों में समय व्यर्थ मत करो, खत्म कर दो इन सबको। विवान, पहले हमें क्रोधाल को खत्म करना होगा वरना ये लड़ाई लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं और वायुपरी क्रोधाल को खत्म करते हैं, आप लोग पैमर और कालपरी को रोको।
अंधेरे में घुप जाओ तो लोग कब हो जाओ। हैमर, तुम जाकर विवान को काबू में करो। इन तितलियों के पंख काटने के लिए तुम मैं के लिए काफी हो। ओ प्रधान, ओ प्रधान, जागो, जागो, विनाश के काल, विनाश के काल, जागो, जागो, बीत गए अनंत काल, अनंत काल, जागो, जागो। अब मुझे वो काम करना होगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। विवान, विवान तुम ठीक तो हो ना? अब बहुत हो चुका ये खेल, खत्म कर देते इन्हें। इन्हें अभी मत मारना, क्योंकि जीत का मजा तो दुश्मन के चेहरे पर आई हुई हार की तकलीफ देखने में ही आता है। भैरानी, जाओ क्रुधाल और जाकर बालवीर को बुराई का गुलाम बना दो। कालवीर की पहली दहाड़, अब तुम सब बनोगे इसका शिकार। जैसी आपकी इच्छा बहरानी। नहीं कर सकते। बालवीर, होश में आओ, तुम बुराई के वश में नहीं आ सकते। बालवीर नहीं, रुक जाओ बालवीर। नहीं बालवीर, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। भैरानी इस बार भी मात खा जाएगी। लेकिन कैसे? ऐसे। ये कैसे हुआ? तुम क्रोधाल की मदद से मुझे बुरा बनाना चाहते थे, लेकिन मेरे पार्टनर ने क्रोधाल को ही अच्छा बना दिया। पार्टनर ने मुझे अच्छाई की शक्ति दी,
और मैंने वो क्रोधाल को दी और क्रोधाल ने वापस पार्टनर को दे दी। इन शॉर्ट सागर का पानी वापस सागर में मिल गया और अब पूरे कारलोक में बालवीर के गुस्से का सैलाब आएगा। अरे बेटे तिम्नासा को नहीं डुबा सकता बालवीर। लगता है तिम्नासा ने क्रोधाल को जगाने से पहले ही उसकी बहुत सारी शक्तियां हासिल कर ली है। परियो, हमें वीरलोक पहुंचना चाहिए। हमें पहले क्रोधाल को खत्म करना होगा, फिर तिम्नासा की सारी शक्तियां अपने आप खत्म हो जाएगी। चलो परियो। ऋषि क्रोधाल की शक्तियों का गलत इस्तेमाल तिम्नासा ना कर सके, इसके लिए हमें क्रोधाल की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। ज्वाला पर हे परम ब्रह्म, ऋषि क्रोधाल की आत्मा को शांति दीजिए। क्रोधाल की मुक्ति के साथ साथ उनकी शक्तियां भी पंचतत्व में विलीन हो गईं। हाँ, और अब तिम्नासा सिर्फ हाथ मलती रह जाएगी। पार्टनर, क्या हुआ? तिम्नासा को हराने के बाद भी आपने करेली जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? ये आपका कोई नया स्टाइल है क्या? अगर है तो मैं भी बन जाता हूँ करेला। पार्टनर, अब तो हल दो, हम जीत गए हैं। लेकिन मैं तो जीत कर भी हार गया। मेरी माँ यहाँ वीरलोक में आई, उन्होंने यहाँ कदम भी रखा, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। नहीं पार्टनर, आप हार जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। पार्टनर, आज तक जो मैंने किसी को नहीं कहा वो मैं आपसे कहता हूँ पार्टनर, कि आप मेरे लिए सलमान भाई से भी बढ़कर हो। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप परिमा को वापस जरूर लेकर आओगे। Yeah.
चिंटी, ना ही हम योगा करने वाले लोग हैं और ना ही जॉगिंग, तो फिर इतनी सुबह हम गार्डन में करने क्या आए हैं? हंटिंग भैया, हंटिंग। हंटिंग? चिंटी, यह गार्डन में किसका शिकार करेगी तू? वो पेड़ देख रहे हो? वो पेड़ का शिकार करेगी तू? हाँ, क्योंकि वो पेड़ विवान के दादाजी ने लगाया है, उनको उससे बहुत प्यार है। हम उसकी एक डाल काटेंगे और विवान के कमरे में छुपा देंगे। फिर जब वो दादाजी डाल देखेंगे तो विवान को ऐसा आशीर्वाद देंगे डायरेक्ट कान के नीचे। यस चिंटी, बहुत मजा आने वाला है। समझ गए ना भैया, अब कुल्हाड़ी लेके आओ। ठीक है चिंटी। दादाजी ने पता नहीं क्यों मुझे यहाँ गार्डन में बुलाया। चलो भैया, अब चढ़ जाओ पेड़ पे और काट दो एक डाल। अब कौन सी मस्ती करने वाले हैं ये दोनों? चिंटी, मैं अकेले चार सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता और तू मुझे कुल्हाड़ी के साथ पूरा पेड़ चढ़वा रही है, मैं कैसे चढ़ूंगा? तो ठीक है, यहीं से निशाना लगाओ, लेकिन एक ही बार में दो टुकड़े होने चाहिए। ठीक है चिंटी। इनकी इतनी हिम्मत, दादाजी का पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भी बताता हूँ इनको। जरूर निशाना लगाया भैया। चिंटी, कहाँ गायब हो गए भैया? जिस जाल को हम काटने वाले थे उस जाल में लटका हूँ मैं। मैंने तो कुल्हाड़ी फेंकने को बोला था, खुद को नहीं। चिंटी, तेरा ही तो आइडिया था। चिंटी, मुझे जल्दी से नीचे उतार दे, नहीं तो अगर मैं नीचे गिरा तो डायरेक्ट ऊपर चला जाऊंगा। इसका मतलब ये तेरी कारस्तानी थी। चिंटी, मैं कोई ट्रेन लेकर थोड़ी ना जो तुम्हारे भाई को यहाँ से लेकर वहाँ टांग दूँ। कभी कभी सोचता हूँ इन चिंटू और चिंटी को तिमनासा की गैंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। हरकतें और सोच दोनों एकदम सेम टू सेम है। राजा को खिला दीजिए, देखे ना कैसे लालच के मारे देख रहे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कान लोग वाले बोलते हैं। ये चने के दाने नहीं बल्कि मोती हैं, जिन्हें मैं साल में एक बार यहाँ लेकर आती हूँ निशाचर पक्षी के लिए। ये मोती खाकर निशाचर पक्षी और भी ज्यादा ऊर्जावान हो जाता है। उसकी ऊर्जा से हमारा काल्लोक पूरे ब्रह्मांड में बड़ा हो सके और शक्तिशाली हो सके। ऐसी शक्तियां जिनसे काल्लोक एक दिन ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली लोक बनेगा। हाँ, कहाँ वो निशाचर पक्षी? बड़ा शर्मीला परिंदा लगता है। शर्मीला नहीं है वो, तूफान से भी ज्यादा तेज है। वो रहा, कब आया, दाना खाया, निकल गया, दिखाई भी नहीं दिया। छोटी आंखों से नहीं तो बताओ, बड़ी आंखों से दिखता है वो। वो देख रहा था मैं, फिरा नहीं, देखिए।
निशाचर पक्षी नहीं बल्कि वीरलोक का भेजा हुआ कोई जासूस है। मेरे गुप्तचर ने एक ऐसी चीज का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल हम तिमनासा के खिलाफ हथियार की तरह कर सकते हैं। कौन सी चीज शौर्य? निशाचर पक्षी। निशाचर पक्षी, ये कौन है शौर्य? ये एक खास किस्म का पक्षी है जिसे हर साल तिमनासा भोजन देकर खुश रखती है, जिससे तिमनासा के अंदर ऊर्जा और शक्ति बनी रहे। एक पक्षी को भोजन देने से तिमनासा की शक्तियों का क्या संबंध शौर्य? वो कोई आम पक्षी नहीं है वायु परी, उस पक्षी में तिमनासा की जान बसी हुई है। इसका मतलब कि अगर हमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो तिमनासा अपने आप मर जाएगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।